हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास. दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 30 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स. इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स इन दिस वर्कशीट. विल ऑल्सो डिस्कस द टॉपिक वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इन दिस वर्कशीट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो स्टूडेंट्स, आपको याद है कि लास्ट वर्कशीट्स में हमने ये समझा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट की जाती है. कैसे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको क्या कहते हैं. आज इस वर्कशीट में हम ये सीखेंगे कि वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है. सो लेट्स सी आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जवाब देना भी गवर्नमेंट का काम होता है. रिस्पॉन्ड टू अदर मीडियम्स ऑल्सो थ्रू न्यूज़पेपर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस. यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यूज़पेपर के थ्रू गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है उसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है. मेक लॉ टू सॉल्व प्रॉब्लम, लॉ मेकिंग. यानी अपने स्टेट में जो भी उनको प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड जो भी वो लॉ बनाते हैं तो ये भी कौन करता है, गवर्नमेंट का ही काम है, दैट इज़ लॉ मेकिंग. देन चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स रन वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज. और चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को चलाते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट का ही एक काम है. As we read in the last worksheet that a legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. तो जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट्स में ये जाना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक वो प्लेस होता है जहाँ पर सारे MLAs, चाहे वो रूलिंग पार्टी यानी गवर्नमेंट के हों या अपोजिशन के हों, वो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट थिंग्स को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं. To combat some problems of the state, the government can also decide to make new laws for the state. यानी अपने स्टेट में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट नए लॉज बनाने का भी फैसला ले सकती है. The act of making laws on certain issue is also done in the legislative assembly of each state. यानी हर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ इश्यूज़ पर लॉ मेकिंग भी की जाती है. द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज. और जो जितने भी सरकारी विभाग होते हैं वो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं. देन MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. यानी जितने भी MLAs होते हैं वो गवर्नमेंट के काम के लिए जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं. यानी गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उनकी जिम्मेदारी सब पर आती है, किसी एक की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है. इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम. और सामान्य भाषा में सरकार का अर्थ होता है जितने भी सरकारी विभाग हैं और जो मंत्री हैं, इन सबको मिला के सरकार कहा जाता है. द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर. और इन सब का जो ओवरऑल हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर. मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. और सही मायने में अगर हम कहें तो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट यही है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर और डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं जब वो, और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं जब वो किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वह एग्जीक्यूटिव पार्ट गवर्नमेंट का होते हैं. All the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature. और जितने भी MLAs हैं, चाहे वो फिर दोबारा से रूलिंग पार्टी के हैं या अपोजिशन के हैं, उन सबको मिला के लेजिस्लेचर कहा जाता है. There are the ones who authorize and supervise their work. और ये क्या करते हैं, लेजिस्लेचर जो है ये ऑथराइज़ करते हैं एग्जीक्यूटिव को काम करने के लिए, पावर देते हैं और उनके काम को सुपरवाइज भी करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी.
और देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, किस रूप में, एमएलएस के रूप में, और फिर यही लोग जो लोगों के लिए बाकी सोसाइटी बाकी स्टेट के लिए काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग ही हैं जो मुख्य, जो अथॉरिटी है, मुख्य पावर जो है वो किनके पास है, वो लोगों के पास ही है, तभी तो वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चूज़ करते हैं और फिर वो उनके लिए काम करते हैं। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो जीतती है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, वो गवर्नमेंट बनाती है और फिर अपने में से कुछ मेंबर्स को वो क्या बनाती है, मिनिस्टर्स बनाती है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के हेड होते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आदि। वट एवर वर्क इज़ डन बाय दीज डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी काम ये डिपार्टमेंट करते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली से अपने जितने भी वर्क हैं उन्हें अप्रूव कराना होता है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन। एग्जाम्पल देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोग अपने व्यूज़ को जनता के सामने और गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक ऐसा ही तरीका है जिसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए कोई नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो जो मीडिया होती है वो पब्लिक की ओर से उनसे क्वेश्चन करती है और उनके जवाब लेती है, या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली में भी चल रहा है, तो इस तरीके से भी अपना प्रोटेस्ट करके अपने व्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाता है। Now we'll move on activity section and question answer section. Then activity 1 and activity 2. देखिए जो activity 2 है वो है make a wallpaper or collage from the newspaper cuttings about the working of the government. आपको क्या करना है, ये काम आपको खुद से करना है कि government के जितने भी काम हैं न्यूज़पेपर में आते हैं उनकी फ़ोटो काट के, दो चार फोटो काट के उनका कोलाज बनाएं, एक शीट पे चिपकाएं और उसको अपने सर या मैम को फ़ोटो खींच के भेज दें। बाकी एक्टिविटी वन और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। सो विल मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन एंड एक्टिविटी वन सेक्शन। सो एक्टिविटी वन इज़ फाइंड आउट द वर्क डन बाय फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, यानी नीचे दिए गए डिपार्टमेंट्स के आपको काम बताने हैं कि वो क्या काम करते हैं। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ देयर वर्क। सबसे पहले है एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, परफॉर्म्स द टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको बनाना और उनकी मॉनिटरिंग करना कि वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं हो रही, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। देन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिंग्स स्कीम्स टू द फार्मर्स टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग सो दैट द फार्मर्स कैन प्रोग्रेस। देखिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या है, वो उन्हें, वो किसानों के लिए स्कीम्स बनाना, योजनाएं बनाना और उनके अंदर जो है पशुपालन और खेती को बढ़ावा देना ताकि फार्मर्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर सकें। देन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दैट इज़ PWD, द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, यानी सड़कों के निर्माण और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की होती है। देन हेल्थ डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ पीपल एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, यानी लोगों की हेल्थ पर ध्यान देना और उनको स्वास्थ्य सेवाएँ, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये काम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन इज डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का मतलब बताइए। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम, यानी सामान्य भाषा में गवर्नमेंट का मतलब है सरकारी विभागों और विभिन्न मंत्रियों से जो कि उनके हेड होते हैं, इन सबको मिला के हम गवर्नमेंट कहते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज़ द ओवरऑल हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट, यानी एक स्टेट के डिफरेंट सरकारी विभागों और मिनिस्टर्स का ओवरऑल हेड कौन होता है,
तो ओवरऑल हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट इज़ द चीफ मिनिस्टर, यानी कौन होता है, चीफ मिनिस्टर उनका ओवरऑल हेड होता है. देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन अप्रोप्रिएट कॉलम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेरियस मिनिस्टर्स MLAs इन लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ मेकिंग लॉ इम्प्लीमेंटेशन. इसे आपको इस टेबल में सही कॉलम के अंडर में प्लेस करना है. तो आंसर देखते हैं एक बार. तो देखिए इसका आंसर होगा, लेजिस्लेचर में कौन कौन से काम आएंगे, चीज़ें आएंगी MLAs इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लॉ मेकिंग. ये कहाँ होता है, लेजिस्लेचर में. और एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वेयर अ मास्क. एंड जब भी अवेलेबिलिटी हो या फिर उस अवेलेबिलिटी हो पॉसिबिलिटी हो आप इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.